आइए दोस्तों, ये है रैपिड फायर विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा. डॉक्टर विवेक बिंद्रा, विच इज योर फेवरेट मूवी सर? ओह, फेवरेट मूवी बहुत रैपिड हो गया. कई सालों से सर ने देखी नहीं है. फेवरेट मूवी देखी है दोस्तों, यही भाग मिल्खा भाग. आई थिंक भाग मिल्खा भाग. भाग मिल्खा भाग. भाग मिल्खा भाग पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो सर ने बनाया, वो जरूर देखिएगा. सर दूसरा क्वेश्चन, विच इज योर फेवरेट बुक? सामने पढ़ी है भगवत गीता. तीसरा क्वेश्चन, भगवत गीता के अलावा एक और किताब है जो मैं बहुत रेकमेंड करता हूँ जी, द वन थिंग गेम चेंजर है. और फिर एक किताब और है 4DX, 4 डिसिप्लिंस ऑफ एग्जीक्यूशन. एक्सीलेंट, यस. तीसरा क्वेश्चन डॉक्टर विवेक बिंद्रा के लिए वो ये है कि सर, जिंदगी में सबसे बड़ी शरारत आपने कौन सी की? अरे बहुत सारी करी हैं. एक बार मैं मसूरी में अपने दोस्तों के साथ था और हमारे एक दोस्त को हमने डराया था कि यहाँ पे भूत घूमते हैं रात को 2 बजे के बाद में, और अपने एक जूनियर को सफ़ेद चादर बना करके हमने बाहर घुमाना शुरू कर दिया था. तो पत्थर भी फेंकवाया था. अरे वो सारी रात बहुत रोया था और अगले दिन हमारा झगड़ा हो गया था. क्या बड़ा प्रैंक हुआ था वो. डॉक्टर विवेक बिंद्रा का सबसे बड़ा सपना? मेरा सबसे बड़ा सपना है कि भगवद गीता हर सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाए, इसको कोर्स करिकुलम में लाया जाए, इसके लिए 2 लाख टीचर्स की व्यवस्था करें और जैसे इसको पढ़ाई के करिकुलम में ऐड किया जाए. एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा का अभी तक का सबसे बड़ा रिग्रेट? अभी तक का सबसे बड़ा रिग्रेट, मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय था, उसकी 12,000 रुपये की सैलरी थी. मेरा तीसरा एम्प्लॉय था वो. बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं. और मुझे जानकारी नहीं थी, हमने उसकी सैलरी में TDS काट लिया था. उसने आके बताया कि 12,000 की सैलरी पर TDS नहीं कटता. हमने बोला नहीं, ये तो नॉर्म्स है, तो कटता है. तो और वो बेचारा उदास होकर चला गया था. और वो गलती मेरी थी, तो वो मेरा रिग्रेट है. वहाँ से मैंने बहुत सीखा और एम्प्लॉयज़ का उसके बाद से बहुत ध्यान रखा. और सबसे बड़ा चैलेंज जो आज तक आपने अपने बिजनेस में या अपनी लाइफ में फेस किया हो? चैलेंज में कुछ नहीं, ये तो रोज मजा आता है हमारे को. चैलेंज कोई नहीं है, कुछ भी ले आओ संभाल. आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर. मुझे कितनी प्रॉब्लम्स दे दो, सॉल्व करने में मजा आता है. सारी प्रॉब्लम्स के अंदर घेर दो मुझे. आएंगी और भी आएंगी, बहुत आएंगी. किसी दिन ऐसा भी होगा कि बहुत भयंकर प्रॉब्लम्स आएंगे. एक करेज है हमारे पास में, इसलिए चैलेंज हमारे को दिखते नहीं है. क्या बात है. और अगर आप जो अभी कर रहे हैं वो नहीं करते तो आप क्या करते हैं? मैं अगर ये नहीं करता तो मैं शायद सन्यासी होता. क्या बात है. एंड एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड क्या है? आपका लॉन्च पैड, मेरा लॉन्च पैड, इनका लॉन्च पैड, माय लॉन्च पैड, इस पे तो खड़ा कर दिया आपने. ये है एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड. लेकिन इसमें थोड़ी एक तकलीफ हो गई है, तो लोग, मैं अभी माफ़ी मांग लेता हूँ आप लोगों से. तकलीफ ये हो गई है कि टिकट्स ख़त्म हो रही हैं इसकी, आप नहीं ले पाओगे, तो मैं एडवांस से माफ़ी मांग लेता हूँ. दोस्तों जल्दी ले लेते हैं, हम सभी लोग चलते हैं एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में. भारत का सबसे बड़ा इवेंट है. आई थिंक विदेशों में आज से पहले इतना बड़ा इवेंट विदेशों में भी नहीं हुआ. आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है. एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज टेकिंग द लीड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड, दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट. 30 कंट्रीज से हमारे पास बुकिंग आ चुकी हैं, जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं. क्या बात है दोस्तों, 30 देशों से आ रहे हैं. आई थिंक आप तो 1,000 किलोमीटर दूर रहते होंगे, 500 या 200 किलोमीटर, कितने दूर रहते हैं? जितने भी दूर रहते हैं, अभी का अभी इसी वक्त मैं कहता हूँ सर, मैंने एक चीज़ सीखी अपने टीचर से, और वो ये सीखी कि जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या बड़े लोग होते हैं, वो एक्शन एंड थॉट्स में उनके ज़्यादा गैप नहीं होता. विचार आया, एक्शन ले लिया. दोस्तों विचार आ गया है, अभी जल्दी से एक्शन ले लीजिए, जल्दी आ जाइए.